ग्रीटिंग्स माई डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माई नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. इन माई लास्ट वीडियोज आई एम कम्प्लीटिंग द चैप्टर्स ऑफ क्लास 8 NCERT मैथमेटिक्स. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स फ्रॉम NCERT मैथमेटिक्स. आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको चैप्टर जो नंबर 6 है उस स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 कवर करेंगे, ठीक है? तो मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिखी हैं. प्यारे बच्चों, ये जो टर्म्स हैं ये इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं. ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पूरी इन टर्म्स की अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्ड में इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है. वन बाय वन हम एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे. ये मैंने साइड में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का बेस है. प्यारे बच्चों, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं. तो पहला टर्म क्या है बेटा? पहला टर्म है स्क्वेयर. देखो, जैसे स्क्वेयर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वेयर आपकी चैप्टर के नाम में है. क्या है नाम? स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स. बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, स्पीड नहीं खींचोगे, बिल्कुल आराम से फोकस होके पढ़ोगे. वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होगी, आपको कहीं पर भी क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो पहले मैंने जो दो डेफिनेशन में मैंने दिया है स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, एक्चुअल में प्यारे बच्चों ये आपके इस नाम को ही दर्शाता है जो आपके चैप्टर का नाम है, दैट इज स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट. स्क्वेयर जो वर्ड है बेटा, स्क्वेयर जो वर्ड है ये आपने पहले कहाँ सुना था? स्क्वेयर वर्ड आपने सुना था प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में. कहाँ सुना था? ज्योमेट्री में. स्क्वेयर एक फिगर होती है. क्या होती है प्यारे बच्चों? एक फिगर होती है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है. क्या होती है? हर एक साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल इक्वल होती है. वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत नहीं है. कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, स्क्वेयर की क्या होती है? हर एक साइड इक्वल होती है, वो ज्योमेट्रिकल शेप, उसको हम क्या कहेंगे? फिर स्क्वेयर कहेंगे. किसी भी नंबर का स्क्वेयर, चाहे वो नंबर कोई भी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ. किसी भी नंबर का स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ अ नंबर, स्क्वेयर ऑफ अ नंबर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पोर्शन की बात करूं प्यारे बच्चों, हो सकता है आपके बुक में भी ना हो. डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वेयर ऑफ अ नंबर इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इट्सेल्फ, अगर किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ ओनली वन टाइम, एक ही बार, ये बात ध्यान रखना, एक ही बार, ओनली वन टाइम, देन वी गेट स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर, वी गेट स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर. देखिए, लिखावट पे मत जाना, मैं थोड़ा स्पीडली लिखता हूँ, अक्षरों की बनावट सही नहीं हो सकती. तो थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल समझना, मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों, मैंने लिखा स्क्वेयर ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर ऑफ अ नंबर क्या होता है? इफ अ नंबर, स्क्वेयर ऑफ अ नंबर क्या होता है बेटा? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई विद इट्सेल्फ ओनली वन टाइम. इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर, नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई, लेकिन रियल होना चाहिए, ठीक है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई विद इट्सेल्फ, अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, कितनी बार? एक बार, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर. ये डेफिनेशन बड़ी कमाल की है, इसको याद रखना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें प्यारे बच्चों, कोई नंबर है 4, अगर मैं इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या मिलता है? 16. तो 16 क्या होगा? स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर होगा. क्या होगा? स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर होगा. मेरी बात समझ में आई? आई मेरी बात? और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज अगर मैंने 5 ले लिया, 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा? 25. तो मैं 25 को ये कहूँगा कि ये स्क्वेयर ऑफ 5 है. क्या है? ये स्क्वेयर ऑफ 5 है. और ले लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना आ जाएगा? 64. तो जो 64 है प्यारे बच्चों, वो क्या है?
8 का स्क्वायर है। क्या है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 8 का क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर है। तो स्क्वायर आप समझ गए, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते प्यारे बच्चों, तो वो नंबर जो रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। जब हम डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे ना प्यारे बच्चों, मैं आपको और भी डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा, पहले हम इन डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लग जाता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ये बिल्कुल एक उल्टा प्रोसेस होता है किसका, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। तो हम इसको आसान शब्दों में क्या कहेंगे, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। प्यारे बच्चों, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हुए क्या करेंगे कि ये एक टोटली इनवर्स प्रोसेस है किसका, किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए। इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता हूँ मैं इसको, मैंने इसको ये कहा कि इफ़ m कैन बी रिटन एज, इफ़ m कैन बी रिटन एज n स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल कंसेप्चुअल नॉलेज बता रहा हूँ आपको। इफ़ m कैन बी रिटन एज n स्क्वायर, वेयर m एंड n बोथ आर नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि इफ़ m कैन बी रिटन एज n स्क्वायर, अगर मैं m को किसी n स्क्वायर के बराबर अगर बोल दूं प्यारे बच्चों, जहाँ पर m और n दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो क्या लिखोगे? देन n इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ m। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, तो मैं n को क्या कहूँगा, स्क्वायर रूट कहूँगा किसका, m का। अब देखो इस बात से आप क्या समझे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट है तो हमें समझना ही पड़ेगा, एक डेफिनेशन है। अगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगे, क्वेश्चन में ये चीज़ें आसान लग सकती है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो बेटा हमें प्रॉपर लिखनी पड़ेगी और वो आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट से सीखते हैं। मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने कहा स्क्वायर रूट क्या है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्क्वेयर ऑफ अ नंबर। जब हम किसी भी नंबर का प्यारे बच्चों स्क्वेयर करते हैं, किसी भी नंबर का क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। डेफिनेशन के माध्यम से हम क्या कहेंगे, इफ़ एम कैन बी रिटन एज एन स्क्वेयर, अगर प्यारे बच्चों एम को मैं एन स्क्वेयर के इक्वल रख दूँ, एम और एन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या रहना चाहिए प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। m और n क्या रहने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैं ये कह दूंगा कि m क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, m का। तो मैं ये कह दूंगा प्यारे बच्चों, n क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, m का। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, हम m और n इस तरह से लेते हैं कि m इक्वल होना चाहिए किसी n के स्क्वायर के। प्यारे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर m को 4 लिया है तो मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, बोलिए बिल्कुल ध्यान से डिटेल में। m अगर मैंने 4 लिया है, दोनों को मुझे इक्वल रखना है, तो मुझे n को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर 25 लिया है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 5 स्क्वायर। देखो अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगर कोई भी नंबर प्यारे बच्चों किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैंने ये कहा कि आप n को, n मतलब इस वाले नंबर को क्या कहोगे, स्क्वायर रूट कहोगे किसका, इस वाले नंबर का। मेरी बात समझ में आई,
कि यहाँ पर जो ये नंबर आ रहे हैं ना जिनका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इन नंबर्स को आप कहोगे कि ये इन नंबर्स का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इस बात से मैं ये कह दूंगा कि टू इज स्क्वायर रूट, टू इज स्क्वायर रूट ऑफ फोर। मेरी बात समझ में आई? इससे मैं ये कह दूंगा कि फाइव इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ से मैं ये कह दूंगा प्यारे बच्चों, सिक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। बोलिए, बोलो, बिल्कुल कंसेप्ट से, बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कंसेप्चुअल अगर नॉलेज होगी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं कि आपने पढ़ी और समझ में आ जाए, नहीं, समझनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट को, इफ़ एम कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर, अगर कोई नंबर एम है उसको मैं एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम और एन स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ, जहाँ पर एम और एन दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वन से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एन को, एन वाले नंबर को मैं क्या कहूँगा, स्क्वायर रूट कहूँगा, किसका? एम का। ये एग्जाम्पल आपके सामने कि एम मैंने एन स्क्वायर के बराबर रखा, फोर अगर मैंने एम माना है तो एन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, टू लेना पड़ेगा। अगर एम को 25 माना है तो एन को 5 लेना पड़ेगा। एम को 36 माना है तो एन को क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फिर फर्दर लिख दिया कि टू इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड सो ऑन। समझ आया बिल्कुल? अगर आपको एक बार समझ में ना आता बेटा, वीडियो को 2-3 बार देखिए, चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, मेरा मकसद आपको कंसेप्चुअल पढ़ाना है, ऐसा पढ़ो कि ज़िंदगी भर मत भूलो। एक बार 8th क्लास में आपने पढ़ लिया फिर आप कंसेप्ट भूल जाते हो, नहीं, ऐसा गलत है। 8th क्लास में रहते रहते आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे ओलंपियाड है, राइज स्पोर्ट्स स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं बेटा, आगे आप NMMS का एग्ज़ाम दोगे, तो उन एग्ज़ाम्स में प्यारे बच्चों आपको बेसिक नॉलेज, ज्ञान होना ज़रूरी है। चीज़ें सवाल तो हो जाते हैं लेकिन नॉलेज आगे जाके आपके काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को बिल्कुल अच्छे से एक लेवल में पढ़ा है, कोई रट्टा नहीं मारा, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर टाइम एक बार ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर नंबर। अच्छा, स्क्वायर नंबर मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, चलिए एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर प्यारे बच्चों, नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ये नंबर ले लिए प्यारे बच्चों। अब मैं इनके स्क्वेयर्स लिख रहा हूँ, स्क्वेयर्स, स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन होता है, वन का स्क्वेयर मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई, टू स्क्वेयर टू को टू से मल्टीप्लाई 4, थ्री स्क्वेयर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई 9, फोर स्क्वेयर फोर को फोर से मल्टीप्लाई 16, फाइव स्क्वेयर फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई 25, सिक्स स्क्वेयर सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई 36, सेवन सेवन को सेवन से 49, एट एट को एट से 64, 9, 9 को 9 से 81 एंड 10, 10 को 10 से दैट इज 100। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने नंबर्स लिखे 1 2 10, और प्यारे बच्चों स्क्वायर क्या होंगे उन नंबर्स के, 1 4 एट्सेट्रा। अगर इन स्क्वायर के प्यारे बच्चों मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ, इकाई का अंक ऑफ स्क्वायर, प्यारे बच्चों अगर ये स्क्वायर नंबर्स हैं जो, उनके अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं प्यारे बच्चों, एक चीज़ बिल्कुल हाईलाइट करने लायक बात है कि यूनिट डिजिट ये वन है तो ये तो वन ही रहेगा, फोर है ये फोर ही रहेगा, ये नाइन है प्यारे बच्चों नाइन ही रहेगा, 16 का यूनिट डिजिट सिक्स आ गया, 25 का फाइव आ गया, 36 का सिक्स आ गया, 49 का नाइन आ गया प्यारे बच्चों, 64 का फोर आ गया, 81 का वन आया, और 100 का प्यारे बच्चों क्या आया, ज़ीरो आया। देखो यहाँ पर मेरी बात समझ में आई, मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे, उन नंबर्स के स्क्वायर लिखे प्यारे बच्चों, और फिर उन स्क्वायर वाले जो नंबर्स हैं उनके मैंने क्या लिखे हैं बेटा, यूनिट डिजिट लिखे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा है, यूनिट डिजिट लिखे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके बाद की भी काउंटिंग चलाता हूँ तो वो 11 आएगा, 11 का मतलब यूनिट डिजिट फिर 1, 12 आएगा यूनिट डिजिट फिर 2, तो एक ही बार इतना लिखने सफिशिएंट है हमारा, हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या रिजल्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अगली बात लिखी थी यूनिट प्लेस, क्या हम किसी भी नंबर को सिर्फ देख के
किसी भी नंबर को सिर्फ देख के क्या हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर स्क्वेयर नंबर होगा या नहीं होगा? क्या आपको स्क्वेयर नंबर के बारे में पता है स्क्वेयर नंबर क्या होता है? स्क्वेयर नंबर वो नंबर होता है प्यारे बच्चों जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वेयर लिखा जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वेयर नंबर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वेयर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखिए, ये सारे स्क्वेयर नंबर्स हैं। क्या है? ये सारे स्क्वेयर नंबर्स हैं। ये नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वेयर लिखा जा सकता है, तो इसको मैं क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? स्क्वेयर नंबर कहूँगा। क्या कहूँगा? स्क्वेयर नंबर। 1, 4, 9, 16, ये सारे के सारे क्या हैं? स्क्वेयर नंबर है इस नंबर के, ठीक है। अब क्या मैं इनको डायरेक्टली देख के ये बता सकता हूँ कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वेयर होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट याद रखना, दोज नंबर whose unit digit is 1, 4, 9, 6, 5 and 0, ये छः जिस नंबर के यूनिट डिजिट होंगे, दोज नंबर हुज यूनिट डिजिट्स इज, ये इज कॉल्ड अ स्क्वेयर नंबर। तो प्यारे बच्चों मैं उस नंबर को क्या कहूँगा? एक स्क्वेयर नंबर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? एक स्क्वेयर नंबर बोल दूंगा। यहाँ से आपको क्या पता चला प्यारे बच्चों कि जो नंबर यूनिट डिजिट ये होंगे, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि उन नंबर्स को मैं क्या कह दूंगा प्यारे बच्चों? स्क्वेयर नंबर कह दूंगा। क्या कह दूंगा प्यारे बच्चों? स्क्वेयर नंबर। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर आप देखते हो कि क्या ये नंबर स्क्वेयर नंबर होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट देखिए। अगर यूनिट डिजिट इन छः में से कुछ है तो चांसेस है कि वो स्क्वेयर नंबर होगा। समझ आई मेरी बात? चांसेस हैं कि वो एक स्क्वेयर नंबर होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, आप ज़ीरो की बजाय एक पेयर ऑफ ज़ीरो लिखिए। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है पेयर ऑफ ज़ीरोस। क्या है ये? पेयर ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का जोड़ा होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा कि वो नंबर क्या हो जाएगा? एक स्क्वेयर नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये स्क्वेयर नंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे अगर आप किसी नंबर को देखते हैं, आपके पास कोई स्क्वेयर नंबर, अगर आपको देखो, ये केस तो तब होता है प्यारे बच्चों, ये केस तो तब होता है जब आपको स्क्वेयर नंबर दे रखे हैं, स्क्वेयर नंबर दे रखे हैं और आपको सिर्फ पहचानना है कि ये स्क्वेयर नंबर है या नहीं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास स्क्वेयर नंबर गिवन है, उनके स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? आपके पास स्क्वेयर नंबर गिवन है तो स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, चलो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर दे रखा हो और आपको निकालना हो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ दैट नंबर, प्यारे बच्चों बिल्कुल कंसेप्ट से सीखना है। मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, पहला लिखा है मैंने यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर नंबर और दूसरा मैंने लिखा है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ दैट नंबर। कि अगर कोई स्क्वेयर नंबर दे रखा है, उसका यूनिट डिजिट अगर 4 हो गया या 1 हो गया, पहले 1 ही लेके चलते हैं, अगर 1 हो गया तो उसके स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीज़ आपको समझनी है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई नंबर है प्यारे बच्चों, कोई नंबर है आपके पास और वो नंबर आपको दे रखा है और कहता है कि भाई इसका जो स्क्वेयर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए ये जो नंबर है 1, इसके स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर किसी स्क्वेयर के यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। मेरी बात समझ में? अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये अगर किसी स्क्वेयर के यूनिट डिजिट का नंबर 1 है तो उसके स्क्वेयर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या क्या होगा प्यारे बच्चों?
9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई नंबर, कोई स्क्वायर नंबर जो एंड होता है 1 से, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या क्या होगा 9। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। 4 वाला दूसरा है 4, तो 4 वाले में या तो 2 होगा या प्यारे बच्चों 8 होगा, बोलो, या तो 2 होगा या क्या होगा 8। अभी हमने टेबल लिखी थी उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, 2 2 4 8 8 64, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें नोट करते चलना साथ के साथ, ठीक है। 4 के बाद अगर 9 है, अगर 9 है तो 9 किस केस में होगा प्यारे बच्चों, 3 के केस में होगा बोलो, या 7 के केस में होगा। 7 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होता है 9 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद प्यारे बच्चों 6 के केस में क्या होगा, 6 ही होगा बोलो, और क्या हो सकता है 4। कोई नंबर अगर 6 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 6 हो सकता है प्यारे बच्चों, ये क्या हो सकता है 4 हो सकता है, क्या हो सकता है 4 हो सकता है। आगे अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो ये चीज फाइनल है कि उसके स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, ये बिल्कुल यूनिक है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, और अगर किसी नंबर में लास्ट में अगर पेयर ऑफ जीरो है तो स्क्वायर रूट में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक सिंगल जीरो होगा, क्या होगा एक सिंगल जीरो होगा। चीज़ों को साथ के साथ लिखते चलना, पोस्ट कर करके वीडियो को, अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आई विल चेक दैट, क्लियर। और एक एक चीज़ बिल्कुल कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ कि इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए, हमने यूनिट प्लेस वाली बातें भी पढ़ ली हैं, अब बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर देखना, जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, एक्सरसाइज तो बिल्कुल चुटकियों का काम, एकदम हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जो एक स्टार की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्टार है तो ये 1 नंबर हो गया प्यारे बच्चों, स्टार 1 2 3, ये 3 स्टार है, ये 3 हो गया प्यारे बच्चों, 5 1 2 1 2 3 4 5, है ना, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया प्यारे बच्चों, 3 4 5 6 6 होगा 5 नहीं होगा 6 होगा, स्टार, ये कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया। ये कुछ शेप्स हैं जो आपकी बुक में भी आपको देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। ये कहता है कि ये ट्रायंगुलर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर है ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल बना रहा है, ये भी देखिए ट्रायंगल कैसे बना रहा है, ये इस फॉर्म में ट्रायंगल बना रहा है, इस फॉर्म में, ये ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल बनाने के लिए 1 से शुरुआत करी हमने, फिर 3 चाहिए हमें स्टार, 6 चाहिए हमें स्टार, फिर स्टार कितने चाहिए हमें 10 चाहिए, एक सीरीज बनाने के लिए, एक प्रॉपर ऑर्डर बनाने के लिए। यहाँ से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ समझिए। अगर प्यारे बच्चों हमने क्या कर लिया, 2 को जोड़ लिया हमने प्यारे बच्चों, इन दो को जोड़ने के बाद कितने स्टार हो गए, 3 और 1 4, तो प्यारे बच्चों ये कितने का जोड़ है 2 का, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 का है तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। आगे इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 3 + 6 दैट इज 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट है प्यारे बच्चों, 3 का है, एक सीरीज बनती चली जाएगी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 + 10 क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 16, और इनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो आपने यहाँ पर एक पैटर्न पढ़ा कि पहले 2 को जोड़ता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर रूट है, अगले 2 को जोड़ता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, अगले 2 को जोड़ता हूँ तो ये किसका बनेगा 4 का। ये सिर्फ एक पैटर्न है
किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए, ठीक है। ये बुक में है, एक आध क्वेश्चन अगर हमें पैटर्न वाइज मिलेगा तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है जिससे हम नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। आप ये बना लेना और इसको लिख भी लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, ये कहता है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर, दो अगर स्क्वायर नंबर हैं तो उनके बीच में कितने नंबर हैं, ये कंसेप्ट निकालने के लिए कहता है। दो अगर स्क्वायर नंबर है, फॉर एग्जांपल दो स्क्वायर नंबर जैसे आपके हो गए बेटा 4 और 9 स्क्वायर नंबर है, ये कहता है इनके बीच में कितने नंबर हैं, हम कैसे निकालेंगे उस बात को। 4 और 9 जो है प्यारे बच्चों, इनके बीच में कितने नंबर हैं ये हम कैसे निकालेंगे, समझना। देखो कंसेप्ट से समझना, 1 है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और प्यारे बच्चों 1 और 4 के बीच में नंबर कौन कौन से रह गए, 2 रह गए, और क्या रह गया प्यारे बच्चों, 3 रह गए, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। और 4 और 9 के बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट से सीखेंगे। 4 है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 9 और 16 के बीच में नंबर कौन से होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बिल्कुल कंसेप्ट से, कोई रट्टा नहीं। 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो 16 और 25 के बीच में जो नंबर होंगे वो होंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक और ले लेते हैं, थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। 6 स्क्वायर दैट इज 36। प्यारे बच्चों 25 और 36 के बीच के नंबर क्या होंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, तो लिख चुके। चलिए ये आपके सामने एक मैंने पैटर्न लिख दिया कि अगर दो स्क्वायर नंबर्स हैं उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 7, और ये जो नंबर्स है बेटा फॉलोइंग, ये क्या है, इनके बीच के नंबर्स। तो देखिए एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर, समझना ध्यान से। देखो अगर ये टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। ध्यान से सुनो, वन स्क्वायर और टू स्क्वायर, वन और फोर, तो बीच में कितने नंबर से प्यारे बच्चों, 2। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में नंबर कितने हो गए, 2। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में नंबर हो गए 4। कितने हो गए, 4। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए, 6 हो गए। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप क्या समझे, आपने ये समझा कि दो नंबर अगर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ले लो, इनके बीच के नंबर्स कितने आते हैं, 2। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिया तो बीच में नंबर्स कितने आए प्यारे बच्चों, 4। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर लिया तो बीच में नंबर आए प्यारे बच्चों, 6। इसके बाद जब आपने 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिया तो बीच में नंबर आए 8। देख लो, बिल्कुल 8 है या नहीं, 4 और 5 के बीच में 3, 2 6 और 8। और जब आपने 5 स्क्वायर और प्यारे बच्चों 6 स्क्वायर लिया तो नंबर कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 10 आ गए। ये एक पैटर्न है। अगर आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव लगातार होने चाहिए, अगर आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नंबर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो उनका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, क्या लिखोगे, इफ वी हैव टू फाइंड, इफ वी हैव टू फाइंड नेचुरल नंबर्स बिटवीन m square and n square, where
वेयर एम एंड एन आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, देन इट इज इक्वल टू 2m, then it is equal to 2m. Concept समझना मैंने क्या लिखा था रे बच्चों. If we have to find out, अगर हमें निकालना है क्या natural number, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, natural number कितने हैं between किसके बीच में, m square के और n square के. m square और n square हम किसी भी एक का reference ले सकते हैं. For example, this is m square and this is n square. Clear? m square and n square. Where M and N are consecutive number, जहां पर M और N दोनों क्या है, consecutive. तीन के बाद ही चार आता है. consecutive का मतलब क्या होता है, consecutive का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक लगातार. M और N क्या है, consecutive है. तो जो number होंगे उनके बीच के प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 2M होगा. मतलब पहले वाले number का दुगना होगा. पहले वाले number का क्या होगा, दुगना. 2 का दुगना 4, 1 का दुगना 2, 4 का दुगना 8 और 5 का 10. दिस इज द कंसेप्ट. क्लियर? अगर दो नंबर है प्यारे बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दैट इज एम स्क्वेयर और एन स्क्वेयर, तो इनके बीच के नंबर अगर हमें निकालने प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा, पहले वाले नंबर का क्या होगा, दुगना होगा. पहले वाले नंबर का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, दैट इज 2m. ऐसे कंसेप्ट हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसको. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम नंबर्स बिटवीन स्क्वेयर नंबर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गई ये बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या होगा, एडिंग ओड नंबर्स. कि ओड नंबर्स को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, जो हमें इस चैप्टर में हेल्प देगा, एडिंग ओड नंबर्स. चलिए एक बार देख लेते प्यारे बच्चों. तो हमने यहाँ तक कर लिया है नंबर्स बिटवीन स्क्वेयर नंबर्स. अगला कंसेप्ट है एडिंग ओड नंबर. ओड नंबर क्या होता है, वे नंबर जो दो से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं. तो देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चों दो ओड नंबर लेता हूँ, मैंने ले लिया 1 + 3, मेरे पास क्या आ गया, 4. कितने ओड नंबर लिए प्यारे बच्चों, मैंने 2 लिए. 3 ओड नंबर ले लेता हूँ मैं, कितना है मेरे पास, 4 + 5, दैट इज 9. 1 + 3 + 5 + 7, दैट इज 16. 1 + 3 + 5 + 7 + 9, दैट इज 25. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, दैट इज 36. प्यारे बच्चों, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कि अगर मैं दो, कितने, दो ओड नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे किसका स्क्वायर मिलता है, 2 का स्क्वायर मिलता है. क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर मिलता है. अगर मैं 3 ओड नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो मुझे किसका स्क्वायर मिलता है, 3 का स्क्वायर मिलता है. क्या मिलता है प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर मिलता है. अगर मैं 4 ओड नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो मुझे किसका स्क्वायर मिलता है प्यारे बच्चों, 4 स्क्वायर मिलता है. अगर मैं 5 ओड नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो मुझे स्क्वायर किसका मिलता है, 5 का स्क्वायर मिलता है. और अगर मैं 6 ओड नंबर्स को ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों, तो मुझे स्क्वायर किसका मिलता है, 6 का स्क्वायर मिलता है. क्लियर है? तो हम इस बात से हम क्या कह देंगे, कि सर आपने एक रूल बना लिया. क्या मिला लिया, सम ऑफ एन ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कि अगर आपके पास एन कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, n consecutive odd numbers से प्यारे बच्चों, तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, n square हो जाएगा. क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n square हो जाएगा. For example, अगर आपके पास 3, आपको ये निकालना कि 3 odd numbers का सम कितना होगा, 3 odd number consecutive क्या होगा, 9 होगा, और वो किसका square है, 3 का square है. तो प्यारे बच्चों, अगर 5 odd consecutive numbers हैं, तो उन सभी का सम कितना होगा, 5 स्क्वायर, दैट इज 25. लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये कॉन्जिक्यूटिव प्यारे बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप इस तरह से 3, 5, 7, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नंबर, नहीं, शुरुआत 1 से ही करनी है. शुरुआत 1 से ही करनी है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, ऑर्ड नंबर
ऐसा भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन, कि कहाँ से शुरुआत करनी है, वन से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एडिंग ओड नंबर्स का हो गया। समझ में आई मेरी बात कि आप जितने ओड नंबर्स को ऐड करोगे, जितने ओड नंबर्स को ऐड करोगे वो इक्वल होगा उन्हीं के स्क्वायर के। अगर तीन को ऐड करोगे तो तीन का स्क्वायर दैट इज़ 9, फोर का फोर स्क्वायर दैट इज़ 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल प्यार से एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ के चलेंगे, इनका क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करता है, करके देख लेते प्यारे बच्चों। अगला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, अगर मैंने दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो मेरे पास आया 3, अगर मैंने 3 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा प्यारे बच्चों तो आया कितना 6 आया, कितना आया प्यारे बच्चों 6, अगर मैंने 4 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो आया प्यारे बच्चों 10, अगर मैंने 5 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो आया मेरे पास 15, अगर मैंने 6 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो आया प्यारे बच्चों 21। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब मैंने 2 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो क्या आता है, 3 नेचुरल नंबर्स को जोड़ा तो क्या आता है, 4 को जोड़ा तो क्या आता है, 5 को जोड़ा तो क्या आता है, और 6 को जोड़ा तो क्या आता है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है प्यारे बच्चों। तो मैं ये कहूँगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1/2। प्यारे बच्चों मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपको n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। क्या है, अगर 2 का निकाला प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल और आंसर कितना बचेगा 3, विच इज़ सेम। क्लियर, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों उन सभी का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अगर 2 नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों 1+2, तो n इंटू में n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दैट इज़ द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। क्लियर, एक और करके देख लेते हैं, 4 नेचुरल नंबर है 4 इंटू में 5/2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, दिस इज सेम। क्लियर, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू में n प्लस 1/2, दिस इज दैट कंसेप्ट। क्लियर, देन वन मोर कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड before doing exercise 6.1, later we will completely understand exercise 6.1 if we know all the basics of this chapter. चलिए, product of two consecutive even or odd number, प्यारे बच्चों consecutive का मतलब लगातार होता है। क्या है कि अगर आप दो लगातार odd numbers को जोड़ते हैं तो क्या pattern बनता है, और अगर आप लगातार दो इवन नंबर्स को जोड़ते हो तो क्या पैटर्न बनता है। ज़रूरी नहीं कि वो ओड नंबर और इवन नंबर वन से ही शुरू हो, वो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 11 और 13 का, या आप मल्टीप्लाई करते हो 13 और 15 का, पहले हम ओड के लिए डिस्कस करते हैं, 15 और 17 का, 17 और 19 का, कुछ भी है। तो प्यारे बच्चों 11 को मैं लिख सकता हूँ 12-1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12+1, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज़ 1। क्या समझ में आया, अभी हम धीरे धीरे देखते हैं, आप खुद समझ जाओगे। 13 को लिख सकता हूँ 14-1, और 15 को लिख सकता हूँ 14-1, आपको एक आइडेंटिटी पता है, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए 14-1 14+1, दैट इज़ 14² - 1² दैट इज़ 1। एक और करके देख लेते हैं, 16-1 16+1 इज इक्वल्स टू 16² - 1। एक और करके देख लेते हैं, 18-1 और 18+1 दैट इज़ 18² - 1। क्या समझ में आया आपको, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप इनके बीच में जो नंबर आता है,
उसका स्क्वेयर कीजिए और उसमें से वन माइनस कर दीजिए, दैट इज़ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 और 7 है, आंसर होता है 35, लेकिन कैसे निकालेंगे, 5 और 7 के बीच में नंबर आता है 6, 6² - 1 दैट इज़ 35। वेरी सिंपल। 9 और 11 वैसे तो होता 99, कैसे निकालोगे, 9 और 11 के बीच का नंबर है 10, 10² - 1 दैट इज़ 100 - 1 दैट इज़ 99। सिमिलरली दिस इज 17 और 19 का मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा, 18 का स्क्वेयर कीजिए, 18 का स्क्वेयर करोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे। तो वैसे अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 9 6 70 63, 9 1 9 और 15 और 17, प्यारे बच्चों कितना आता है, 323। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 - 1 दैट इज 323। वेरी क्वाइट सिंपल, क्लियर। और सिमिलरली ये काम आपके ओड नंबर्स में भी होगा, कंसेप्ट वही है। अगर आप इवन की जगह, प्यारे बच्चों अगर ओड नंबर्स ले लेते, फॉर एग्जांपल अगर 4 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 24, आप इन दोनों के बीच का नंबर उठाओगे दैट इज 5 का स्क्वायर और -1 दैट इज 24। और एग्जांपल ले लीजिए 8 मल्टीप्लाई 10, बीच का नंबर उठाओगे 9² - 1 दैट इज 81 - 1 दैट इज 80, विच इज़ द सेम कंसेप्ट फॉर इवन एंड बोथ ओड नंबर, क्लियर प्यारे बच्चों। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी टर्म्स समझाई हैं, डिटेल में समझाई हैं। वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम्प्लीट एक्सरसाइज 6.1। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिसिंग। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कम से कम 2 बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।